उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं। सदन के दूसरे दिन की कार्यवाही हुई, विपक्ष लगातार हंगामे कर रहा है, क्या कहना है इस पर? देखिए, विपक्ष का काम तो हंगामा करना है और हमारा काम उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को सुख सुविधाएं, उनकी आवश्यकताएं, उनकी मूलभूत जरूरतें उनका पूरा करना है। डेंगू लेके लिए विषय आया, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, जबकि सरकार लगातार संचारी रोगों के निरीक्षण के लिए जाँच करवा रही है, उनके लिए किस प्रकार से लोगों का नियंत्रण हो उस पर लगातार सरकार कार्रवाई कर रही है। मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से उन सबका निरीक्षण भी करते हैं, जांच भी करते हैं, उनकी मॉनिटरिंग भी करते हैं और सीएमओ से बात करके, डीएम से बात करके को दिशा निर्देशित भी करते हैं। तो कुछ मुद्दे नहीं है। सरकार विपक्ष के लोगों ने सदन शुरू होते हंगामा करने की कोशिश की, उसको शांत किया गया। चूँकि हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक समय तक सदन भी चले, हर प्रश्नों को हम जवाब भी दें और सरकार के मंत्री लोग अपने विभाग का शानदार तरीके जवाब भी दे रहे हैं। तो जातिगत जनगणना की भी लगातार मांग कर रहा, आज परिषद में भी मांग करी, इसको लेके वॉकआउट भी किया, कहा गया आप लोग जातिगत जनगणना कराना ही नहीं चाहते हैं। कोई आवश्यकता नहीं है, हम चाहते हैं कि 25 करोड़ जनता का विकास हो, जातियों फंस करके और जातिगत विद्वेष पैदा हम करना नहीं चाहते, या अनावश्यक रूप से ये करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी समावेशी विकास चाहती है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, इस संदेश साथ हम लोग नई नियमावली का विरोध भी कर रहे हैं, झंडे ले जाना, मोबाइल ले जाना, कह रहे हैं कि अगर घर में किसी सदस्य को कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी क्या भारतीय जनता पार्टी लेगी? देखो, ठीक बात है ना, जब नई नियमावली आई है सबकी सहमति से हुई है, विपक्ष की सहमति उसके अंदर को पालन करना चाहिए। विपक्ष का किसी भी रूप में एक भरोसा नहीं है कि जो उसका पालन करें, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट एस के वर्मा के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।